ITC में, टाटा में, इनके खुद के लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट, सप्लाई चेन डिपार्टमेंट होते हैं और वहाँ पे काफ़ी अच्छा पैसा कमाते हैं भाई ये लोग। मेरे हिसाब से इन फ्यूचर देर आर टू थ्री टू फोर इंडस्ट्रीज दैट आर गोना स्ट्राइव। पहला मैं बोलूँगा कि AI है, दूसरा मैं बोलूँगा सस्टेनेबिलिटी, एग्जैक्टली, तीसरा मेरे लिए है लॉजिस्टिक्स। पहले क्या था कि जिसकी बातचीत थी वो ये बिजनेस करता था, अब क्या है कि आपको बिजनेस स्किल चाहिए ये बिजनेस करने के लिए। इंडिया इज ट्राइंग टू रीच लेवल वेयर इवन क्लियरेंस एजेंट्स CHAs will have a, you know, they don't have to be present at ICD या फिर port, वो अपने लैपटॉप से कोई भी लोकेशन पे बैठ के क्लियरेंस कर सकते। फ्रेट फॉरवर्डिंग, कस्टम क्लियरेंस, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मेरे को पूछे जाते हैं बाई एक्सपोर्टर्स इंपोर्टर्स, बाई न्यू स्टूडेंट्स जो कि अभी सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं और चाहते हैं कि आगे जाकर एक्सपोर्टर इंपोर्टर बनेंगे या फ्रेट फॉरवर्डर बनेंगे या फिर इस इंडस्ट्री में, सप्लाई चेन इंडस्ट्री में कहीं पर एंटर करेंगे। और कई सारे लोगों को ये भी डाउट रहता है कि इस बिजनेस में आखिर एंटर कैसे करते हैं, कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। तो इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए मैं आप लोगों को आज मिलवाने वाला हूँ एक CHA से, एक फॉरवर्डर से, जो दोनों काम करते हैं और वो सिर्फ 25 साल के हैं। पिछले 30 साल से उनका ये फैमिली बिजनेस रहा है और अभी 3 साल से वो भी अपने फैमिली बिजनेस में पूरी तरह से इंगेज है और वो अपना प्रोस्पेक्टिव बताने वाले हैं। साथ साथ मैं अपना प्रोस्पेक्टिव भी बताऊंगा कि ये जो इंडस्ट्री है फ्रेट फॉरवर्डिंग का, CHA का, अगर आप लोगों को CHA ढूंढना है या फ्रेट फॉरवर्डर ढूंढना है या बनना भी है इस बिजनेस में एज अ CHA फ्रेट फॉरवर्डर एंटर करना है, तो इन सारे सवालों के जवाब आज आप लोगों को इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हाय दक्षी, तो सबसे पहले आप मेरे को थोड़ा सा आप अपने बैकग्राउंड के बारे में बताओ कि आपने क्या किया है, ठीक है, आपका पर्सनल बैकग्राउंड क्या है एंड आप जो ये फ्रेट फॉरवर्डिंग एंड कस्टम क्लियरेंस के बिजनेस में हो ये कब से कर रहे हो और आपका जो ओवरऑल बिजनेस है ये कितना पुराना है। आई एम करंटली 25, दैट मीन्स मैंने पहले ग्रेजुएशन भी करा, पोस्ट ग्रेजुएशन भी करा एंड मैंने BBA LLB एंड LLM किया था। बट व्हेन आई जॉइंड ग्रेजुएशन, मतलब अपना BBA LLB का, मेरा माइंडसेट यही था कि ये इस इंडस्ट्री में ही आना एंड आई हैव बीन प्रिविलेज्ड कि फैमिली रन बिजनेस था, ओके, फ्रेट फॉरवर्डिंग एंड कस्टम क्लियरेंस का। सो आवर कंपनी रॉयल कनेक्शंस हैज बीन पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री फॉर द पास्ट 30 इयर्स। 30 इयर्स, तो आपने काफ़ी कुछ चेंज देखा है, मतलब जब डॉक्यूमेंट्स नॉर्मल वाले में क्लियरेंस होती थी तो वहाँ से लेकर डिजिटाइजेशन तक का पूरा आपकी कंपनी ने देखा हुआ है। एब्सोल्युटली, एंड उसके बीच में चैलेंजेस भी आए, अडेप्टेशन भी आया एंड अब नई चीज़ें ईजी भी बन गई हैं बिकॉज ऑफ यू नो द इंटायर यू नो थिंग दैट इज गोन फॉर द पास्ट 30 इयर्स। मैं इस इंडस्ट्री में फॉर द पास्ट 3 इयर्स हूँ एंड आई कंसिडर कि फर्स्ट कपल ऑफ मंथ्स वो माई ट्रेनिंग एंड नाउ आई हैव बिन यू नो एट द रोल ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजमेंट। सो आपने पिछले 3 साल में क्या चेंज देखा है इस इंडस्ट्री में, क्योंकि मैं भी इस इंडस्ट्री में काफ़ी टाइम से हूँ, मैं अराउंड 2012 से हूँ, तो मैंने भी थोड़े बहुत चेंजेस देखे हैं। आपको क्या लगा है कि पिछले 3-4 सालों में क्या ऐसा चेंज हुआ है, चीज़ें मुश्किल हुई हैं, चीज़ें ज़्यादा ईजी हुई हैं, या ओवरऑल मार्केट में आपने थोड़ा सा अगर बता सको कि क्या चेंज देखा है आपने। सो अगर हम 3 साल की बात करें, इसका मतलब 2020 एंड जैसा हमें पता है 2020 में कोविड आ गया था एंड कोविड की वजह से the whole world went upside down. That included import export की market, freight forwarding की market, custom clearance की market. इसमें मैंने देखा कि as a forwarder and clearance agent काफ़ी commodities का आना जाना बंद हो गया था, restriction हो गया था, essential quality commodities को दे रहे थे stress ज़्यादा, तो उसमें कुछ importers and exporters को काफ़ी फ़ायदा हुआ, कुछ का थोड़ा business रुक गया। एज अ फॉरवर्डर या क्लियरेंस एजेंट प्राइजेस में हमने राइज देखा, फिर स्लोली 2021 तक आते आते प्राइजेस में हमने और इंक्रीज देखा, फिर नाउ कमिंग टू 2023 वी लुकिंग एट अ स्लाइट डिक्लाइन ऑफ प्राइसिंग, जो प्राइसिंग होती थी या कॉस्टिंग होती थी। ठीक है, ये तो समझ गया मैं। चलिए, आपके बैकग्राउंड के बारे में तो पता लग गया, अब थोड़ा सा बिजनेस के बारे में पूछते हैं। ये बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक रहता है मेरे, मतलब मैं कुछ भी वीडियोस बनाता हूँ, मेरे को DMs आते हैं, ईमेल्स आते हैं एंड कमेंट्स आते हैं कि भाई ये बिज़नेस करना कैसे है और कितना पैसे कमा सकते हैं इस बिज़नेस में, कितना कंपटीशन है, कैसे एंटर करें। और लोग तो ये भी कहते हैं कि CHA फ्रेट फॉरवर्डर्स लोग बहुत पैसा कमाते हैं, उनके पास तो मर्सिडीज़, सारे सबके पास मर्सिडीज़ होती है, तो आपका क्या टेक है इसके ऊपर, मतलब कितना कंपटीशन है इस बिज़नेस में अभी के टाइम पे 2023 में और आगे आने वाले 5 सालों में, आप कैसे देखते हो इस इंडस्ट्री को, आप किस तरीके से इंडस्ट्री को देख रहे हो, क्योंकि आपने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि आपको कॉलेज के बाद इसी इंडस्ट्री में आना है, तो हाउ डू यू सी द इंडस्ट्री गोइंग टुवर्ड्स, व्हाट आर द इंडस्ट्री ट्रेंड्स। अगर आप कोई भी चीज़ को आउटसाइड परस्पेक्टिव से देखते हैं,
आपको एक पर्टिकुलर यू नो व्यू पॉइंट मिलेगा, मतलब आप एक पर्टिकुलर एंगल से देख रहे होते हैं, आपको पूरा कंप्लीट होलिस्टिक आइडिया नहीं होता है कि क्या चल रहा है मार्केट में या फिर वो एक्चुअली में पर्दे के पीछे भी क्या है. बट इसमें दैट बीइंग सेड पीपल डू हैव दैट काइंड ऑफ बिजनेस जिसमें वो यू नो मर्सिडीज जैसे आप कह रहे हो आर एबल टू कीप. नाउ इट्स जस्ट लाइक एनी अदर बिजनेस, यू नो आपको बिग प्लेयर्स भी मिलेंगे, स्मॉल प्लेयर्स भी मिलेंगे, मीडियम प्लेयर्स भी मिलेंगे. नाउ इसमें आपका ये भी डिसाइड करता है कि आपका बिजनेस का गोल क्या है, आप कैसे एक्सपैंड कर रहे हैं, आप किस लेवल तक सोच रहे हैं पहुंचाने का, आपका स्ट्रीमलाइन किस में. जैसे कि हमारे बिजनेस में या फिर कोई भी सिमिलर बिजनेस में इंडस्ट्री में हम देखते हैं कि या तो आप लो मार्जिन हाई वॉल्यूम पे करें, मतलब कि जैसे आप इम्पोर्ट में देखेंगे तो आपका जो कॉस्टिंग है, रेट्स है, आपने बहुत लो मार्जिन में काम कर रहे हैं, बट आपके नंबर ऑफ क्लाइंट्स एंड वॉल्यूम, नंबर ऑफ कंटेनर्स और क्लियरेंस दैट यू आर डीलिंग विद इज वेरी हाई. और दूसरा इसका एक हुआ कि आपके पास हाई मार्जिन है और लो वॉल्यूम है, तो वो भी डिपेंड करता है कि आपके रिलेशंस कैसे हैं क्लाइंट के साथ, आपकी मार्केट में स्टैंडिंग क्या है. इस ये भी डिसाइड करता है कि आप कितना पैसा कमा रहे हैं इस इंडस्ट्री में. और आगे एक्चुअली मैंने क्या देखा है, मैंने भी काफ़ी टाइम से हूँ इसमें, तो मैंने तो देखा है कि डिजिटाइज चीज़ें जब से डिजिटल हुई हैं पिछले 5-7 सालों में, उसके बाद कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया क्योंकि एंट्री बैरियर खत्म हो गया. पहले क्या था कि जो हो रहा है अंदर हो रहा है, किसी को कुछ नहीं पता कि कैसे हो रहा है. बट जब से चीज़ें ऑनलाइन हुई हैं तो सबको सब कुछ पता है कि कहाँ पे क्या हो रहा है मेरा, मतलब जैसे कि अगर मैं इंपोर्ट की बात करूँ, एक्सपोर्ट की बात करूँ, तो अब आजकल एक्सपोर्टर्स को भी पता है, इंपोर्टर्स को भी पता है कि बिल ऑफ एंट्री क्या होती है, शिपिंग बिल क्या होता है और किसका स्टेटस कहाँ पे है, वो पेपर अभी अप्रेजर के पास है कि असिस्टेंट कमिश्नर के पास है, वो खुद ही आइस गेट में जाके चेक कर लेते हैं. पहले चीज़ें नहीं होती थी ऑनलाइन, तो कोई कुछ भी पैसे किसी भी सर्विस के लिए लेता था, बट अब जाके चीज़ें बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट भी हुई है मेरे हिसाब से. एंड मुझे लगता है कि आगे अगले 5 सालों में भी काफ़ी, 5 से 10 सालों में जब चीज़ें और ज़्यादा ऑनलाइन हो जाएंगी और चीज़ें और ज़्यादा स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी, तब ये कॉम्पिटिशन और ज़्यादा बढ़ेगा और तब ये एक्चुअल में बिज़नेस बनेगा. जो बंदा बिज़नेस माइंडेड है वो कर पाएगा. पहले क्या था कि जिसकी बातचीत थी वो ये बिजनेस करता था. अब क्या है कि आपको बिजनेस स्किल चाहिए ये बिजनेस करने के लिए. ये भी अब किसी और बिजनेस की तरह हो गया, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली. देखिए जैसे कंपटीशन है वो आपको हर बिजनेस में, हर एक इंडस्ट्री में मिलेगा. एंड कंपटीशन ऐसी चीज है जो कि आपको एक प्लस पॉइंट भी देती है और आपको एक ड्रॉबैक भी देती है. मतलब प्लस पॉइंट इसलिए क्योंकि आप कस्टमर की आईज में अगर आपने अच्छे यू नो सर्विस प्रोवाइड करी है, अगर अच्छे रेट्स दिए हैं, तो वो आपको खुद ही कंसिडर करेंगे एज अ यू नो बेटर प्लेयर इन द मार्केट देन अदर्स. जहाँ तक की बात डिजिटल की है, आई वुड से कि ये अच्छा है कि एक्सेसिबिलिटीज यू नो कस्टमर्स के लिए बढ़ रही है. टूल्स आ गए हैं, आप डायरेक्टली कैरियर की वेबसाइट पे जाके अगर HS कोड भी सर्च करना है तो आइस गेट पर चले गए, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं. आई फील लाइक दैट्स अ गुड स्टेप एंड अ राइट स्टेप अहेड इन फ्यूचर. बिल्कुल. दैट बीइंग सेड, मेरे को ऐसा लगता है कि कस्टमर के लिए एक फ्रेट फॉरवर्डर या फिर क्लियरेंस एजेंट का रोल वही का वही रहेगा, नो मैटर अगर डिजिटल स्टेप इसमें बढ़ा भी गया, क्योंकि उनके लिए क्या है, ईज ऑफ बिजनेस होना चाहिए. एग्जैक्टली, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होना चाहिए. और वही गवर्नमेंट का भी स्ट्रेटेजी है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़े और ट्रांसपेरेंसी बढ़े. ऑब्वियसली ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी तो लोग वहाँ ज़्यादा ईजिली चीज़ों को कर पाएंगे. एंड पहले क्या था कि पहले मुझे ऐसा लगता था कि पहले सिर्फ बातों पर ही चलता था कि क्या चल रहा है भैया, हमें तो नहीं पता अंदर क्या चल रहा है, बस जो बोल दिया वही होता था. बट अब क्या है कि सब लोग सब कुछ चेक कर लेते हैं ऑनलाइन. किसी को कुछ HS कोड का पता करना है तो गवर्नमेंट ने आइस गेट में प्रॉपर दिया हुआ है ब्रेकडाउन कि आप HS कोड डालो, आपको पूरा पता लग जाएगा कि इसमें क्या कंप्लाइंस लगता है, जो कंप्लाइंस पोर्टल उन्होंने रिसेंटली शुरू किया था आइस गेट में. तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ट्रांसपेरेंट हो गई है और मुझे लगता है कि आगे आने वाले सालों में ये एक्चुअल में प्रॉपर बिजनेस बनेगा. जो बंदा प्रॉपर बिजनेस माइंडेड होगा वो ये बिजनेस कर पाएगा. क्योंकि पहले क्या था कि पहले तो बातचीत पर चलती थी तो मेरे को तो पहले ये बिजनेस लगता भी नहीं था. बट अब ये प्रॉपर बिजनेस बना है और जो एक्चुअल बिजनेस वाला बंदा है वो बिजनेस कर पाएगा. किसी और बिजनेस की तरह अब ये बिजनेस भी हो गया है, कोई भी आ सकता है और कर सकता है इसको. बस एक वो लाइसेंस का रहता है थोड़ा सा, तो वही लाइसेंस आपको लेना पड़ेगा एंड दैट्स इट. इसमें भी मेरा एक डिफरेंट आउटलुक है. जैसे कि आप देखें कि लास्ट 20 ईयर्स पहले कितने फॉरवर्डर्स और क्लियरेंस एजेंट्स होते थे,
इतने नंबर में नहीं थे जितने आज की डेट में. वो इसलिए क्योंकि तब एक नीश क्रिएट हो गया था, डिमांड तब इंडिया की बढ़ रही थी एंड आउटसाइड कंट्रीज में भी इंडिया के प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही थी एज वेल एज इंडिया की कंजम्पशन भी बढ़ रही थी. तो वो ग्रोइंग स्टेज था इस इंडस्ट्री के लिए, एक नीश क्रिएट हो गया था एज अ फ्रेट फॉरवर्डर या फिर आप कस्टम क्लियरेंस कर रहे हैं. अब सिमिलरली आपका बाहर का परस्पेक्टिव या व्यू लेके अगर आप आओगे कि जो 20 इयर्स पहले जो सुना था या देखा था कि वो वैसे रहेगा तो वो ट्रू नहीं है क्योंकि बहुत सैचुरेटेड मार्केट है. पहले डिमांड बहुत ज्यादा थी, सप्लाई कम था, तो इसलिए कोई कितना भी पैसा कमाता था. अभी बहुत ज्यादा सैचुरेट हो गया है. बट इस पे तब भी एक चीज आती है कि आपका कस्टमर के साथ क्या बॉन्ड है, क्या रिलेशनशिप है. जैसे कि हमारी कंपनी में क्या होता है, अगर कोई न्यू इम्पोर्टर एक्सपोर्टर बनना चाह रहे हैं तो अगर उनको ये आइडिया भी नहीं है कि आप आइस गेट पे कंप्लेंट चेक कर सकते हो या फिर यू नो कैरियर की वेबसाइट पे जाके आप ट्रैकिंग कर सकते हो कुछ, हम वो गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं. सो रादर देन यू नो जस्ट कीपिंग इट, जैसे आप बता रहे थे कि वो आपसी में ही चल रहा होता था, कोई बातचीत नहीं होती, बातचीत पे ही चल रहा होता था हर चीज़, तो इसमें हमने एटलीस्ट कोशिश करी है कि हम फर्स्ट टाइमर्स के लिए फुल गाइडेंस जो हम अपनी साइड से दे सकते हैं वो दें, ताकि एंड नॉलेज भी उतनी बांटे जितनी हमें, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे एक्सेसिबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इस इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा बढ़ गई है, अगले 10-5 साल में और बढ़ेगी. तो मेरे को ना कई सारे लोग ऐसा पूछते हैं, इनफैक्ट कई तो ऐसे स्टूडेंट हैं जो कहते हैं कि मुझे इसी में ही करना है और मैं कहाँ से शुरू करूँ, मैं पहले CHA के पास काम करूँ या MBA करूँ, या कैसे मैं स्टार्ट करूँ और स्टार्ट करूँ भी कि नहीं करूँ. आपको आपको क्या लगता है, आप क्या सजेशन दोगे, क्योंकि आप इतने टाइम से इंडस्ट्री में लोग मेरा वीडियोस देखते हैं, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस भी हो जाते हैं कई बारी और स्टूडेंट्स को लेके मेरे को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि मैं उनको बोलूँ क्या. अब मैं डायरेक्शन दूंगा उनको यार, बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है. तो आपको क्या लगता है, आपका प्रोस्पेक्टिव क्या है कि अगर कोई बंदा प्रॉपर शुरू से ही इस इंडस्ट्री को माइंड पर लेकर पढ़ाई करता है, जैसे कि MBA सप्लाई चेन या MBA इंटरनेशनल बिजनेस करता है, तो आपको क्या लगता है कि आगे फ्यूचर है इस इंडस्ट्री का, अगर वो आता है तो ग्रो कर पाएगा इस इंडस्ट्री में, आपका क्या टेक है इस क्वेश्चन पे? इसको लेके मैंने बहुत चर्चा भी करी और सोचा भी है. मेरे हिसाब से इन फ्यूचर देर आर 2-3-4 बिजनेसेस या फिर यू नो इंडस्ट्रीज दैट आर गोना स्ट्राइव. पहला मैं बोलूंगा कि AI है, AI एंड IT में, IT में भी AI का जो टेक है. दूसरा मैं बोलूंगा सस्टेनेबिलिटी. तीसरा मेरे लिए है लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन, क्योंकि अगर आप देखिए ये एक हद तक टेंजिबल बिजनेस है, मतलब आप ये आप रेप्लिकेट नहीं कर सकते इजीली, या फिर वो जो सप्लाई चेन जो चलता है उसके ऑल्टरनेटिव आप कुछ ऐसा ऑनलाइन नहीं निकाल सकते. फिजिकल गुड्स मूव तो हो गई है. तो इसमें तो फ्यूचर डेफिनेटली सप्लाई चेन में बहुत बड़ा है. एंड जैसा कि बात आता है CHA बनने का या फिर फॉरवर्डिंग का, तो मैं इसमें एक एग्जांपल दूंगा कि CHA और फॉरवर्डिंग एक छोटा पार्ट है ऑफ द एंटायर सप्लाई चेन. एग्जैक्टली. फॉर एग्जांपल आप देखें इन रियल एस्टेट, अब रियल एस्टेट इंडस्ट्री भी बहुत बड़ी है, अब उसमें आर्किटेक्चर एंड आर्किटेक्ट्स भी एक पार्ट है और एक छोटा पार्ट है. जबकि रियल एस्टेट में बहुत सारी कंस्ट्रक्शन भी आ जाएगा, आपका सप्लाई ऑफ गुड्स भी आ जाएगा उसमें कि सीमेंट है, यह है आर्किटेक्ट भी, सिविल इंजीनियर. तो ऐसे ही सप्लाई चेन में आपका CHA और फॉरवर्डर प्लेज अ वाइटल रोल, बट वो एक पार्ट है. एंड सप्लाई चेन में अगर आप कर रहे हैं तो आप बहुत चीज़ों में घुस सकते हैं अपार्ट फ्रॉम जस्ट CHA एंड फॉरवर्डर. When it comes to becoming a CHA of a forwarder, just like any other business, आपको wholeheartedly knowledge grasp करने का और understanding उसका लेने का interest होना चाहिए. कि मैं करना चाहता हूँ तो मेरे को इसका knowledge पूरा होना चाहिए कि BL क्या होता है आपको पता होना चाहिए, basic की transit क्या होता है, transshipment क्या होता है, customs क्या होता है, customs act क्या है, FEMA FERAR क्या है, ये सब चीज़ों में आपको आइडिया होना चाहिए. एंड मेरे लिए अगर मैं पर्सनली बोलूँ, आई हैड द प्रिविलेज ऑफ यू नो वर्किंग एट अ फैमिली बिजनेस. सो मेरा जो अप्रेंटिसशिप या फिर जो इंटर्नशिप पीरियड कहते हैं जिसमें आपका लर्निंग होता है, प्रैक्टिस होता है, वो मेरा जो फर्स्ट 1-2 ईयर्स था वो मेरी कंपनी में ही हुआ, मेरे फादर की कंपनी में.
बट जो इसमें न्यू एंट्री करना चाहते हैं उनको भी एक सिमिलर व्यू पॉइंट के साथ जाना चाहिए कि आप अगर ये इंटरेस्ट के साथ जा रहे हैं तो कोई कंपनी में या फिर एजेंसी में कुछ यू नो फॉरवर्डिंग या सीएचए के साथ आप काम करिए फॉर वन और टू ईयर्स सो दैट यू अंडरस्टैंड इट. एग्जैक्टली. इस पर मैं थोड़ा सा और एक दो लाइन ऐड करूँगा. तो मेरा मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू देता हूँ क्योंकि मैं भी इस इंडस्ट्री में काफ़ी टाइम से हूँ और मैं ये वाला वीडियो सबको दिखाने ही वाला हूँ जो भी मेरे से ये पूछते हैं. तो मेरा टेक क्या है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हुई हैं और जब चीज़ें ट्रांसपेरेंट होती हैं तो एक्सेसिबिलिटी बढ़ती है. एक्सेसिबिलिटी बढ़ती है तो कॉम्पिटिशन बढ़ेगा. कॉम्पिटिशन बढ़ेगा तो डिस्टरप्ट होगा. अब डिस्टरप्ट कौन करेगा? डिस्टरप्ट वो करेगा जो या तो अब मैं एग्जाम्पल देता हूँ जैसे शैडो फैक्स हो गया, पोर्टर हो गया. कौन किसको पता था कि ऐसे करके ये सब इतने इजीली वो लोग चीज़ें मतलब गुड्स को वो कर देते हैं मतलब मूव करते हैं इतने चीपली मूव करते हैं मतलब मैं सोच भी नहीं सकता था. मैंने पोर्टर रिसेंटली यूज़ किया था. तो इसी तरह का एक मेरे को लगता है कि आने वाले 5 साल में एक वो आएगा आपका डिस्क्रप्शन आएगा हमारे फॉरवर्डिंग में एंड सी एच ए वाले बिजनेस में. एंड मुझे भी लगता है कि आगे जाके सप्लाई चेन तो रहने वाला है भाई. सप्लाई चेन रहने वाला है एंड एक्सपोर्ट इम्पोर्ट और ज़्यादा रहने वाला है क्योंकि गवर्नमेंट का फोकस भी है. तो नेक्स्ट अगर अपने को वो $5 trillion की वो करनी है अचीव करनी है क्या कहते हैं GDP या आपको एक्सपोर्ट अचीव करना है 2030 का गोल है. अगर $1 trillion का एक्सपोर्ट अचीव करना है तो इस पर तो बहुत ज़्यादा आपको आप वो भी दिखेंगे क्या कहते हैं पॉलिसीज़ भी आती हुई दिखेंगी नहीं और इनक्रेजमेंट भी आता हुआ दिखेगा गवर्नमेंट की तरफ से. तो ये तो रहने वाला है. इंडस्ट्री भी ग्रो करने वाली है आगे जाके. हाँ बट डिजिटाइज की तरफ ज़्यादा बढ़ेगा. और अगर आप लोग प्रॉपर इसी इंडस्ट्री में घुसना चाहते हो और MBA सप्लाई चेन कर रहे हो तो CHA एंड फॉरवर्डिंग छोड़ के भी मैंने बहुत सारे ऐसे देखे हैं जो IIT से सप्लाई चेन करते हैं. और मेरा एक जानने वाला भी है जो आपके ITC में टाटा में इनके खुद के लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट सप्लाई चेन डिपार्टमेंट होते हैं और वहाँ पे काफ़ी अच्छा पैसा कमाते हैं भाई ये लोग. जैसे कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो गया, सप्लाई चेन हो गया, आपका ये लास्ट माइल डिलीवरी हो गया अमेजोन का वो तो पूरा Amazon जो है सप्लाई चेन पूरा मार्केटप्लेस को सपोर्ट तो सप्लाई चेन ही करता है. तो इस पे तो बहुत ज़्यादा है आगे फ्यूचर है. बट आपको सिर्फ CHA और फॉरवर्डिंग के प्रोस्पेक्टिव से नहीं देखना, इसको ओवरऑल इंडस्ट्री के प्रोस्पेक्टिव से देखना है. और पैसा इधर उधर दूसरे वाले साइड वाले इंडस्ट्रीज में भी है, सिर्फ इसमें ही नहीं है. इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन बढ़ चुका है. तो कॉम्पिटिशन तो खैर हर बिजनेस में है. कॉम्पिटिशन से भी छोड़ के मैं बोलूँगा अगर आप सिर्फ CHA की बात करें, फॉरवर्डिंग को भी हटा देते हैं तो जो हमारा CHA का एंड जो कस्टम क्लियरेंस का जो सिस्टम है इंडिया में इट इज़ अबाउट 10 years और 20 years बिहाइंड चाइना, अबाउट 30 years बिहाइंड USA. अगर आप देखें यहाँ पर हर एक ICD या पोर्ट पे आपके पास एक CHA होना चाहिए जो कि आपका वहाँ पर क्लियरेंस कराएगा, पेपर वर्क करेगा, इंस्पेक्शन हुई तो इंस्पेक्शन एजेंट के साथ कस्टम के खड़ा होगा. ये बाकी कंट्रीज में ऐसा कंप्लाइंस नहीं है. अब जैसे USA में देखिए गुड्स कंट्री में आए भी नहीं है एंड उनका कस्टम क्लियरेंस हो जाता है. सो आई फील लाइक एंड गवर्नमेंट इज ट्राइंग फॉर दीज इनिशिएटिव. जैसे कि अगर आप इंपोर्ट में बोले तो DPD एक चीज शुरू हुई है जिसको कहते हैं डायरेक्ट पोर्ट डिलीवरी. और अभी एक्सेसिबिलिटी कम इंपोर्टर्स के पास है उसके लिए क्योंकि जिनके AEO ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर जो है उनके लिए वो सुविधा दी गई है. बट इंडिया इज ट्राइंग टू रीच लेवल वेयर इवन क्लियरेंस एजेंट्स CHAs विल हैव अ यू नो दे डोंट हैव टू बी प्रेजेंट एट ICD या फिर पोर्ट. वो अपने लैपटॉप से कोई भी लोकेशन पे बैठ के क्लियरेंस कर सकते हैं. तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू नो कि गवर्नमेंट इसको कैसे आगे लेके जाना चाहती है. कंपटीशन रहेगा मार्केट में, उसको जैसा आपने बोला जो ब्रेक कर पाया वो ब्रेक कर लेगा. तो आपका जो ट्रांसपेरेंसी वाला पार्ट है ना उस पर मैंने बताया था कि क्वेश्चन में पूछूंगा आपसे. तो मैं उससे ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि अब हम एक्सपोर्टर इंपोर्टर के प्रस्पेक्टिव से पूछते हैं कि कोई भी हर कोई सिर्फ CHA फॉरवर्डिंग नहीं करना चाहता. अब एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट की तरफ ओवरऑल एक्सपोर्ट की तरफ बहुत ज़्यादा जा रहा है लोगों का, इम्पोर्ट भी साथ में है ही क्योंकि इंडिया मोस्टली कंज्यूम ही कर रहा है. अभी भी रॉ मटेरियल्स ऑब्वियसली बाहर से ही आएंगे तो इम्पोर्ट को कभी भी हम पूरी तरह खत्म नहीं कर सकते. तो कोई भी नया इम्पोर्टर होता है या एक्सपोर्टर होता है उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है एक फॉरवर्डर, एक रिलायबल फॉरवर्डर या एक रिलायबल CHA ढूंढने में जो उसके साथ प्रॉपर ट्रांसपेरेंट रहे और चीज़ों को गाइड करे एंड टू एंड, क्योंकि शुरू में उसको थोड़ा इशू रहता है एक नए एक्सपोर्टर इम्पोर्टर को. तो आपको क्या लगता है कि क्या वो की पॉइंट्स होते हैं एक फॉरवर्डर के अंदर आपके हिसाब से या CHA के अंदर
जिसके बिहाफ पे एक बंदा एक यू नो साउंड डिसीजन ले पाए, या कह रहे हैं जो कि फर्स्ट टाइम एक्सपोर्टर है, न्यू एक्सपोर्टर है, या फिर इंपोर्टर भी, हाँ इंपोर्टर भी है. सो इसमें मैं इसको दो पार्ट में बताना चाहूंगा. एक हो गया मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस और एक हो गया आपकी अगर इंडस्ट्री व्यू पॉइंट आप देखें. तो इंडस्ट्री व्यू पॉइंट से अगर आप देखेंगे, कोई भी नया एक्सपोर्टर है इम्पोर्टर है वो क्या कर सकते हैं, वो ऑनलाइन जा सकते हैं, 5-10 फॉरवर्डर या CHA गूगल कर लिया या फिर जस्ट डायल कर दिया, उसमें उनको मिला, उनसे बात करी 5-10 में, कोई ढूंढ लिया, या फिर कोई रेफरेंस में कोई नोन मिल जाए जो कि आपको अपना खुद का CHA बता दिया कुछ. बट मेरे हिसाब से ये थोड़ा इतना यू नो ट्रस्ट या फिर रिलेशनशिप ये चीज़ पर्टिकुलरली नहीं डिसाइड करेगी कि आपके गूगल में कितने रिव्यू अच्छे हैं या फिर आपका प्रेजेंस कितना है. मेरे हिसाब से वो CHA या फॉरवर्डर राइट है जो कि आपके साथ इंगेज करेगा. फॉर मी इट्स एंगेजमेंट एंगेजमेंट एंगेजमेंट. वो आपका फ़ोन उठाने के लिए रेडी है, आपको गाइड करने के लिए रेडी है, यहाँ तक कि अगर उनको कस्टम ड्यूटी भी अगर कोई इम्पोर्टर को जाननी है तो उसमें भी आपको यू नो प्रोवाइड करने के लिए तैयार है. जैसे कि हमारी कंपनी में क्या होता है कि कोई भी इंक्वायरी आती है चाहे वो छोटी सी छोटी क्यों ना हो, वी मेक श्योर दैट 24 आवर्स में वी आर एबल टू अटेंड इट. नाउ द रीजन व्हाई आई एम सेइंग दिस इज बिकॉज वी आर नॉट एन MNC वेयर यू नो आवर कस्टमर्स आर जस्ट अ नंबर और अ फिगर. एग्जैक्टली. वी वैल्यू आवर यू नो वैल्यू आवर कस्टमर्स एंड द सर्विस. नाउ यू नीड टू फाइंड अ सिमिलर कंपनी हु वैल्यू यू, हु वैल्यू योर गुड्स, एंड ऑल्सो आपको कॉस्टिंग ऐसी दे कि आपका कन्फर्म हो मतलब बिजनेस. काफ़ी टाइम अगर आप देखेंगे अबाउट 30-40% लॉजिस्टिक्स कॉस्ट आ जाते हैं ओवरऑल कॉस्टिंग. ओवरऑल कॉस्टिंग अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसमें ड्यूटी ऑल्सो प्लेज अ बिग पार्ट. तो आपको कोई ऐसा चाहिए जो कि आपके स्टार्टिंग के लीड्स को कन्फर्म करने में आपको हेल्प करे, आपके साथ जैसे आपकी ग्रोथ होती है वो अपना ग्रोथ भी उसमें देखे. And this can be seen, you know, in our case, last week ही हमें एक you know Google से निकाल के कॉल आया कि we are trying to you know export XYZ. तो उसमें हमने हमारी हेल्प यही रही थी कि उनको पूरा प्रोसेस समझाएं, गाइड करें और उनको राइट एडवाइस देना भी बहुत ज़रूरी रहता है कभी कभी. बिकॉज आई थिंक कि जो बिगिनिंग में कर रहे हैं उनको उतना एक्सपीरियंस नहीं है, एंड जो एक्सपीरियंस प्लेयर्स होंगे वो अपनी कहाँ मार्जिन बढ़ाने कहाँ कम करने वो ज़्यादा बेटर जानते हैं. हमारा यही होता है कि एक्सेसिबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी सिंस इंडस्ट्री में बढ़ रही है तो वो भी यू नो अगर कोई फॉरवर्डर या CHA उनको दे रहा है साइड बाई साइड वेल वर्किंग विद दम, आई थिंक दैट इज़ द राइट. हाँ तो एग्जैक्टली गाइडेंस तो मुझे भी यही लगता है कि एंगेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि शुरू में उसको काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस रहते हैं. अपने लिए एज अ CHA या फ्रेट फॉरवर्डिंग प्रोस्पेक्टिव से बताऊँ तो हमारे लिए सिर्फ एक वो शिपमेंट है, बट उसके लिए वो शिपमेंट का पूरा कॉस्टिंग देना और इतना सारा गुड्स को लेकर आना 10-12 लाख रुपये का, अगर हमारी तरफ से कुछ डिले आता तो अपने को तो 4-5 हज़ार रुपये का नुकसान होता मुझे लगता है, बट उसको फिर 10-12 लाख रुपये का नुकसान हो जाता. तो अपने को मुझे लगता है कि थोड़ा सा उस हिसाब से देखना ज़रूरी है कि वो जो गुड्स लेके आ रहा है हो सकता है कि वो पहली बार ही लेके आ रहा है अपना पूरा यू नो जॉब क्विट करके वो अपना एक्सपोर्ट कर रहा है या इंपोर्ट कर रहा है, कुछ बिजनेस सेटअप करने की कोशिश कर रहा है, और पहले ही शिपमेंट में अगर उसको डैमेज लग जाए या डिटेंशन लग जाए शिपिंग लाइन की तरफ से प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ना होने की वजह से या प्रॉपर गाइडेंस ना होने की वजह से, तो वो बहुत ज़्यादा नुकसान कर जाता है और उसकी शुरू में बिजनेस शुरू होने से पहले ख़त्म हो जाता है. तो ये मुझे भी लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा लोग इसमें कन्फ्यूज़ भी रहते हैं. तो मेरे को तो ये लगता है कि बिफोर चूजिंग अ CHA फ्रेट फॉरवर्डिंग अभी के लिए तो कोई ऐसा सेंट्रलाइज मार्केट प्लेस नहीं है कि जहाँ पे जाए और किसी की बैकिंग के साथ आपको एक एक रिलायबल मिल जाए. अभी के लिए तो आपको अपने स्किल्स पे डिपेंड करना पड़ता है. बट मेरे को लगता है 2-3 पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक तो उसका ऑनलाइन प्रेजेंस होना चाहिए अच्छा CHA का, क्योंकि आज के डेट में सारे बिजनेसेस का दुकानदार भी ऑनलाइन प्रेजेंट बेच रहा है. CHA का ऑनलाइन प्रेजेंस होना चाहिए अच्छा, रिस्पॉन्स बहुत अच्छा करना चाहिए CHA को, जैसे आप क्वेरी दो क्विकली रिस्पॉन्स होना चाहिए. एंड आप फाइनल करने से पहले एक बार जाके उसका जरूर सेटअप देख लें, उनसे एक बार फेस टू फेस जरूर बात कर लें, है ना, जाके पता लगे. क्योंकि मैंने अभी भी देखे, मैंने काफी सारे CHA ऐसे हैं तो जिनका वेबसाइट ही नहीं है अभी भी है अभी बहुत है भाई हमारे इंडस्ट्री. अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, हाँ अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, काफी अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, काफी टर्नओवर करते हैं, बट स्टिल उनके पास कोई वो नहीं है, क्या कहते हैं, वेबसाइट नहीं है, और वो आपको वैसा कुछ बहुत तरीके से गाइड नहीं कर पाएंगे. वो अपने पर्टिकुलर एक सेक्शन को पकड़ के बैठ जाते हैं कि अपने को ये गुड्स करने और इसी गुड्स में अपना चल रहा है. बिल्कुल, आप जैसे नाव शेवा जो का जवाहरलाल नेहरू JNPT पोर्ट मुंबई में,
अब वहाँ जाके इतने मल्टीपल सी एच एस से मिलेंगे, जैसे हमारे तो बहुत पार्टनर्स हैं वहाँ पर जिनके साथ काम करते हैं, कुछ हैं जो कि इम्पोर्ट करते हैं और इम्पोर्ट में भी सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो उन्होंने अपना एक नीच बना लिया। बट इसमें भी एक चीज़ है, उनसे बेटर उसका इम्पोर्ट हैंडल कोई नहीं कर पाएगा, राइट? तो मैं आई एग्री कि आपके ऑनलाइन प्रेजेंस स्ट्रांग होना चाहिए, तभी आपका रीच है, आपको ढूंढेगा कैसे होता, तो आप वर्ड ऑफ माउथ या यू नो रेफरेंस पे जा रहे हैं। एंड कमिंग टू द पॉइंट ऑफ यू नो, हमारे लिए एक शिपमेंट है, उनके लिए तो यू नो उन्होंने कितना यू नो क्या क्या चीजें निकाल के वो इस बिजनेस में आए हैं, फिर क्या यू नो सोच के वो घुसे हैं इसमें, तो हमें अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। इसलिए मैं एक हद तक सोचता हूँ कि ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म वाला सिस्टम है जैसे आप बताते हैं, वो इट्स अ गुड आइडिया, शुड बी प्रमोटेड, बट वो इंडिया में इसलिए नहीं एक लेवल तक टिक पाएगा, बिकॉज वी रिक्वायर अ ह्यूमन टच। लाइक यू सेड दैट आप जाके मिलिए उनसे, सेटअप देखिए उनका, अगर आपका लाखों का करोड़ों का माल आ रहा है या फिर जा रहा है, आप चाहेंगे कि एक ह्यूमन है जिसके साथ आपकी एक रिलेशनशिप बनी हुई है, एंड उसी के साथ आप यू नो यू कैन ट्रस्ट समवन। एग्जैक्टली, क्योंकि लाखों का माल आ रहा है वो फोन पे बात नहीं करेगा, वो आके आपके ऑफिस में बैठेगा, सामने आपसे बात करेगा फेस टू फेस, तभी वो उसको अंदर से सेटिस्फेक्शन होगी कि हाँ मेरा माल जो है सही बंदे के हाथ में। एंड स्पेशली इसमें एक और चीज बोलूंगा कि सी एच एस ऑफ फॉरवर्डर्स आजकल, मतलब आपको रिप्यूटेड वालों के साथ ही काम करना चाहिए टू अ लेवल। आई वोंट नेसेसरली से कि अगर आप फर्स्ट टाइमर हो तो आप एमएनसी के साथ करिए, क्योंकि आपको अच्छी सर्विस नहीं दे पाएंगे इतना जितना आपको एक मिड लेवल यू नो सीएचए या फिर फॉरवर्डर दे पाएगा। तो इसका फाइनल क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, सबसे ज्यादा हॉट क्वेश्चन भी है कि अगर किसी को फॉरवर्डर बनना है कल की डेट में, या अपना कुछ कुछ टाइम बाद या सीएचए बनना है, तो क्या इनिशियल स्टेप्स होने चाहिए, किस तरीके से उसको क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, इनिशियल डॉक्यूमेंटेशन टू बिकम अ फॉरवर्डर, आप मेरे को ये बता दो थोड़ा सा इन लोगों को, तो आई गेस काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी अगर किसी को, और कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, इन्वेस्टमेंट का काफी बड़ा पार्ट रहता है इसमें। आई वुड से कि फॉरवर्डिंग तभी लोगों को इतना अट्रैक्टिव लगता है क्योंकि इसमें आपके पास नेसेसरीली कोई लाइसेंस नहीं चाहिए की जरूरत नहीं, हाँ। आप काफी चीजें आउटसोर्स कर सकते हैं, जैसे कि आपका सी एच ए का भी, अगर आप फॉरवर्डर भी हैं, आप जरूरी नहीं है कि आपके पास यू नो सी एच ए होना चाहिए, आप सी एच ए वाला पार्ट कस्टम क्लियरेंस का एज अ फॉरवर्डर आउटसोर्स कर सकते हैं। अब आप ये देखिए इंडिया में मेजर पोर्ट्स ही इतने हैं, मेजर पोर्ट्स आप ले लीजिए कोचिन, चेन्नई, मुंद्रा, हजीरा, जे एन पी टी, आपका कोलकाता, बहुत है, एंड आई सी डीज भी मल्टीपल है, आई सी डीज आपके इनलैंड कस्टम डिपोज हो गए। तो अब एक फॉरवर्डर हर जगह पे तो सी एच ए नहीं रख सकता क्योंकि वो कॉस्टिंग में इट वोंट यू नो materialize, तो काफ़ी चीज़ें as a forwarder if you're entering, you can aim on outsourcing a couple of things. License की requirement नहीं होती है in the beginning, unless आपको थोड़ा recognition चाहिए, जैसे आप freight forwarding association के part हो गए, IATA या फिर IATA, I think थोड़ा आगे का step है, because IATA एक international recognition हो गया, and उसमें आपके जो compliances होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं, जैसे आपको एक IATA approved warehouse चाहिए होता है, आपका you know reputation among with you know you have done air shipments, you have a reputation in the market, that also depends a lot of compliance. So aise aapka fighter bhi hota hai, agar aap sea mein kar rahe hain, aise aapka ek MTO hota hai jo ki hota hai aapka multimodal transport operator. Now I have seen companies jo ki last 10-15 saal se है, एग्जिस्ट कर रही है, उनके पास एक भी चीज नहीं है ऐसी। हाँ, काफी है हमारे इंडस्ट्री में तो काफी लोग हैं। सो ऐसा नहीं है कि आपको ये सारे चाहिए लाइसेंसेस, ओवर द इयर्स यू कैन बिल्ड इट, बट इन द बिगिनिंग यू डोंट रिक्वायर यू नो एनी स्पेसिफिक लाइसेंस है कुछ से। यहाँ जहाँ तक कि सी एच ए की बात रहती है, ऑफकोर्स यू नीड टू गिव द सी एच ए का एग्जाम जो कि तो आपने पहले किसी कस्टम सी एच ए के पास काम किया है ना, आपको सी एच ए की तरफ से सबसे पहले एच कार्ड बनता है, जो मेरे पास था, मैंने आपको दिखाया भी काफी सारे वीडियोज में, उसके बाद आपका जी कार्ड का एग्जाम होता है, आप जी कार्ड का एग्जाम दोगे, जी कार्ड के लिए आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, और जी कार्ड आपके पास आने के बाद आफ्टर टू ईयर्स आप उस ग्रेजुएशन डिग्री और जी कार्ड के बेस पे सी एच ए का एग्जाम दे सकते हो, या फिर आपको अगर डायरेक्ट सी एच ए का एग्जाम देना है तो आपके पास कोई मास्टर डिग्री होनी चाहिए। तो ये दो बेसिक क्राइटेरियाज हैं अगर आपको सी एच ए यानी एफ कार्ड का एग्जाम देना है तो। फॉरवर्डिंग के लिए आपके पास
एज सच कुछ लाइसेंस नहीं चाहिए, आप अपना एक ऑफिस स्पेस लेके दो चार कॉन्टैक्ट्स बना के नेटवर्क बिल्ड करके अपना फॉरवर्डिंग का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आई थिंक फॉरवर्डिंग के बिजनेस में आप जैसे कैपिटल की बात कर रहे थे, कैपिटल आपका इंटेंसिव वहाँ पर हुआ, जैसे कि आपने एक ऑफिस स्पेस एक्वायर करा, उसके बाद जब आप बुकिंग्स कर रहे हैं, क्योंकि फ्रेट वैल्यू काफी ज्यादा होती है, फ्रेट वैल्यू बहुत ज्यादा, सो मोर देन दैट आई थिंक फ्रेट फॉरवर्डिंग इज नॉट अबाउट यू नो कि आप स्पेस कैसा है या फिर यू नो लाइसेंस है कि नहीं है, रिकग्निशन है कि नहीं है, इट्स ऑल अबाउट द रिलेशनशिप दैट यू हैव विद मल्टीपल कैरियर्स, जैसे शिपिंग लाइन हो गई या फिर एयरलाइन हो गई, एन यू सी सीज हो गए, एंड एट द सेम टाइम आपके कस्टमर्स। हाउ मेनी नेटवर्क्स यू हैव, आई मीन कितने नेटवर्क्स हैं आपके, कितने अच्छे आप रेट्स निकाल सकते हो? एग्जैक्टली, सो इन आवर कंपनी फॉर एग्जाम्पल इंटरनेशनल नेटवर्क्स, वी आर पार्ट ऑफ मोर देन 6 एसोसिएशंस एंड नेटवर्क्स, locally we are part of I think 4. Okay, so this has happened because 30 years ka you know business hai and humne wo achieve kara, but at the same time agar hamare paas ye nahi bhi hota, we would have been able to start it eventually through the years, you have to gain it. Any closing statement that you would like to give to our audience ki I mean is industry ke bare mein kya change hone wala hai? So major do question main aapse puchunga as a closing statement, कि किसी को एंटर करना है तो करना चाहिए, और करना है तो फ्यूचर है कि नहीं, आपको क्या लगता है अगले 10 साल में, अगले 5 साल में? मेरे हिसाब से बिल्कुल एंटर करना चाहिए, ये ऐसी इंडस्ट्री है जो कि ग्रो होने वाली है, एंड इट इज़ ओनली बिकॉज इंडिया इज गोइंग टू ग्रो एज ए कंट्री। अगर आपका किसी भी चीज़ में सप्लाई और डिमांड बढ़ रहा है, आपका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट इज डायरेक्टली इक्वलेंट टू यू नो इट कन्वर्ट्स इनटू हाउ जीडीपी इज परफॉर्मिंग कंट्री की, तो आप देखिए इंडिया जैसे जैसे ग्रो होगा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ग्रो होगा, अगर इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट ग्रो हो रहा है तो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट की सर्विसेज भी ग्रो होंगी, बट एट द सेम टाइम आपको इस परस्पेक्टिव आइडिया के साथ घुसना चाहिए कि आप या तो कोई नीश बना लीजिए, आप किसी चीज़ में अच्छा बना यू नो कोई ऐसी चीज़ में घुस जाइए जिसमें आप यू नो बेस्ट बन सकते हैं, या फिर आप अपने कनेक्शंस आपका नेटवर्क इतना स्ट्रांग रखिए कि यू हैव अ नेम इन द मार्केट, you know, and that takes years. So just like any business, there'll be struggle in the beginning, but I'm pretty sure as India is progressing, India is, you know, ek bada economy, world's biggest economy ka, you know, like title chahta hai, about 2050 2060 ka jo goal hai, us tak ke pahunchne ke liye jo bhi industry saath mein chalti rahengi wo sab mere hisab se excel karengi. Exactly. मतलब बहुत ज़्यादा ग्रोथ है आगे अगले आने 10 साल 15 साल में, एंड मेरा तो ये क्लोजिंग स्टेटमेंट रहेगा कि फॉरवर्ड जैसे जैसे हमारा ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट ओवरऑल ग्रो कर रहा है, पूरा का पूरा सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो कर रहा है, तो फॉरवर्डिंग CHA को छोड़ के भी ना बहुत तरीके के नए नए बिजनेसेस आएंगे. फॉर एग्जाम्पल एक आपका आगे जाके बहुत ज़्यादा सर्टिफिकेशन जैसे चाइना में होते हैं, आपको इंस्पेक्शन होता है, इंडिया में ऐसा इंस्पेक्शन का कुछ मैंने तो नहीं देखा अब तक, पता नहीं आपने देखा है कि नहीं देखा, तो इंस्पेक्शन वाली एक एजेंसी है इंडस्ट्री, मुझे लगता है कि वो आगे जाके आएगी. फिर दूसरा है आपका सोर्सिंग, इंडिया में ऐसा कोई बड़ी सोर्सिंग कंपनी नहीं है, तो वो सोर्सिंग का आने वाला है इंडिया में बहुत ज़्यादा, चाइना में बहुत ज़्यादा सोर्सिंग वाले एजेंट्स हैं. मैं काफ़ी सारे लोगों से बात करता हूँ जो चाइना से इंपोर्ट मतलब US में चाइना से इंपोर्ट करते, तो वो कहते हैं वहाँ तो भाई कॉलेज के बाद सारे लोग यही कर रहे होते हैं, सोर्सिंग कर रहा है, कोई इंस्पेक्शन कर रहा है, मतलब एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के सप्लाई चेन के अराउंड काफ़ी ज़्यादा वहाँ बिजनेस है, एंड काफ़ी ज़्यादा लोग करना भी चाहते हैं. तो मुझे लगता है कि ये बहुत तरह के नए नए इंडस्ट्रीज आएंगे अगले 10-15 साल में अपने सप्लाई चेन के अराउंड, इंस्पेक्शन हो गया, सप्लाई आपका सोर्सिंग हो गया, एंड इस तरह के 2-4 और आ सकते हैं ऑब्वियसली, दूसरे सर्टिफिकेशंस हो गए, बहुत चीज़ें हैं. अगर आप देखिए एक्सपोर्ट हाउसेज होते हैं, काफ़ी चीज़ें हैं, मतलब आप मर्चेंट ट्रेडिंग को सपोर्ट करने के लिए भी आप प्लेटफॉर्म्स देख सकते हैं. तो सप्लाई चेन बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, और इसमें काफ़ी चीज़ों में वी हैव अ पार्ट इन इट एज अ CHO फॉरवर्ड, बट जस्ट लाइक यू मेंशन So I guess that's it, Dakshi, and आपने अपना precious time निकाला, so thank you so much, and thank you everyone. आप लोगों को video कैसा लगा नीचे comment करके जरूर बताइएगा. Dakshi का जो website and contact detail है वो मैं description में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से contact कर सकते हैं इनकी company को, and I hope कि Dakshi नए exporter importer को बहुत अच्छे से attend भी करेंगे. Exactly. अगर आप पहली बार importer export करने वाले हैं, आप बेझिझक मेरे को कॉन्टैक्ट करिए, मैं अपना पर्सनल नंबर उसमें दे रहा हूँ एज वेल एज माई ओन मेल आईडी, ताकि आपको कोई और के थ्रू मेरे पास ना आना हो. आई एम ओपन टू डीलिंग विद एनी सॉर्ट ऑफ इंक्वायरीज दैट यू माइट हैव,
एंड मैं तो यहाँ तक कि बोलूँगा अगर आपको कॉस्टिंग के लिए भी रेट चाहिए हम आपको वो भी प्रोवाइड करेंगे. वी आर नॉट गोइंग टू फंक्शन लाइक यू नो अदर्स. आपसे इरिटेट बिल्कुल नहीं होंगे, आपको सपोर्ट करने के लिए हम हमेशा रहेंगे. ओके ओके, चलिए मैं आपको सारा इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद.